सो वॉट इज अब गाइज वेलकम टू द चैनल लेट्स हैव लुक एट द मार्केट सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो लैंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स या रदर लैंडिंग बेस्ड कंपनीज जिनके बारे में हम बात करेंगे वन इज सेल्सियस सो सेल्सियस ने धीरे धीरे अपना जो लोन है वो पे बैक करना स्टार्ट किया एंड यहाँ पर लिक्विडिटी आने लगी है इनफैक्ट सेल्सियस ने अपना जो बिटकॉइन का लोन है उसका लिक्विडेशन प्राइस जो है वो पाँच हज़ार डॉलर के नीचे ले गए हैं सो डज टर्न आउट कि यहाँ पे कोई ना कोई उनको पैसे दे रहा है कहीं ना कहीं से वो लोग लिक्विडिटी अरेंज कर पा रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं ये अभी किसी को भी पता नहीं चला है बट अमिड्स ऑल ऑफ दिस डेढ़ सौ जॉब्स यहाँ पे कट की गई हैं सेल्सियस के थ्रू एंड देन ऑफ़ कोर्स हमें अक्रॉस द इंडस्ट्री और बहुत सारे ले भी देखने को मिल रहे हैं बट 150 जॉब्स जो है यहाँ पे उन्होंने कट की हैं इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स दो बिलियन डॉलर यहाँ पे रेस करके सेल्सियस के जो एसेट्स हैं उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है एंड हम लोगों ने मार्केट में देखा ही है इस तरह का कंसोलिडेशन बेयर मार्केट्स में स्पेशली देखने को मिलता है अगेंस्ट दैट एफ टी जो है उन्होंने सेल्सियस को देखा था और उन्होंने बोला था नहीं नहीं हम इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है। एंड गिवन कि सेल्सियस अपना लोन पे कर रहा है प्लस मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे कल बुलिश हुई है रात को सो दैट हैज़ ऑफ कोर्स अफेक्टेड सेल का प्राइस एज वेल मूविंग ऑन टू हमारा इंडियन प्रोजेक्ट जिसके साथ कल जिन्होंने विदड्रॉल्स डिपॉजिट्स एंड ट्रेडिंग बंद की है वो है वॉल्ड वर्ल्ड को लेके ऑफ कोर्स मैंने भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर किया है एज़ वेल एज़ ट्विटर पे आई हैव शेयर अपडेट्स बट ये जो है अभी न्यूज़ निकल कर आई है लिटरली थोड़ी देर पहले ही अभी निकल कर आई है सो so, नेक्सो जो कि काफ़ी बड़ा आ, और प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड का कंपटीटर ही एक्चुअली डायरेक्ट कंपटीटर है टर्न्स आउट कि वो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वर्ल्ड को 100 परसेंट खरीदने में सो लंडन बेस्ड है नेक्सो वो यहाँ पे अपना ड्यू डिलीजन स्टार्ट करें यानी कि वो इनका अकाउंटिंग टीम ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है कितना गड़बड़ है कहीं गड़बड़ है या नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने देखना स्टार्ट किया है अभी नेक्सो की तरफ से जो स्टेटमेंट हो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ उन्होंने यहाँ बोला है कि हमें अभी चेक है कि इनके बुक्स में क्या है जिसको थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा पर सिंस इनके पास एक एक्सक्लूसिव पीरियड है मतलब इस इस टाइम पे नेक्सो के अलावा और किसी को अलाउड नहीं है वर्ल्ड की फाइनेंशियल बुक्स को देखना दैट मींस इनका जो इंटरेस्ट है नेक्सो का वो काफी ज्यादा है वर्ल्ड में बट एट द सेम टाइम अब यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है वो भी मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ जो नेक्सो के लीडर हैं एट दिस पॉइंट उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो आकर वर्ल्ड को रीफाइनेंस या रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं डिपेंडिंग की इनका है 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 वो कैसा जाता है? And by the way, इन्होंने एक term sheet sign की है जो इनको खरीदने का करता है Now, vault ने अगर कुछ assets long period के लिए किए हैं हैं या कोई ऐसे investments बनाए जो काफी लॉन्ग पीरियड वाले हैं उनको इंस्टेंटली लेके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि अगर वॉल्ट के एसेट्स गुम गए हैं यानी कि मार्केट में या जो जिन लोगों को लैंड किए थे इंस्टीट्यूशंस को वहीं पे ख़त्म हो गया है तो नेक्सो पोटेंशियली उनको रिप्लेनिश कर सकता है अगर इस चीज़ का सेंस बनता है ऑफकोर्स बिजनेस सेंस बनता है तो ना ऑफकोर्स उन्होंने और भी चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं रीस्ट्रक्चर री कर सकते हैं नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं uh, और यहाँ पे अडिशनली इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में अब दर्शन जो हैं उनकी तरफ से जो वर्ल्ड के सीईओ हैं उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की है सेइंग कि अभी नेक्सो अम्ब्रेला के अंडर अगर हम ऑपरेट कर सकते हैं तो एक स्ट्रेंथ का हमारा पोजिशन हो जाता है एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारी जो फिडिशरी ऑब्लिगेशन है हमारे कस्टमर्स यानी कि हमारे यूजर्स के थ्रू वो भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अच्छे रोड मैप रिगार्डलेस ऑफ़ द मार्केट कंडीशन ये उन्होंने यहाँ पे बोला एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक पुश आया है फाइनली एक कुछ एक पब्लिक स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल कर आया है कि यस उनके दिमाग में जो यूजर्स जिनके फंड्स अटक गए हैं उनके प्लेटफॉर्म में यहाँ पे ये सब चीज़ों में दे आर थिंकिंग अबाउट दैट सिर्फ अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म बचाने की यहाँ पे कोशिश नहीं है कोशिश ये भी है कि यूजर्स के फंड्स कुछ ना कुछ करके यहाँ पे पुश किया जाए ना इसमें गुड न्यूज क्या है कि ऑफकोर्स नेक्सो और ये बहुत ही क्विक निकल कर आई है कल ट्रेडिंग बंद हुई आज ये न्यूज़ निकल कर आई तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इंटरेस्ट है बहुत नेक्सो की तरफ से एंड नेक्सो एक बहुत बड़ा प्लेयर है बैड वाला क्या है बैड वाला ये कि ये लोग दो महीना देखेंगे अभी दो महीना देख के अगर वो उन लोगों को पसंद नहीं आता तो फिर सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है वो हमें यहाँ पर देखना है और यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी और ट्विटर पर भी जो है शेयर की है नाउ लुकिंग एट की ऑन चेन क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आज थोड़ा सा ऑन चेन देख लेते हैं सो अगर हम श्रिरम्प नेट पोजिशन चेंज करें की बात करें तो श्रिम्प गाइज ऑफकोर्स हम लोग बात करते हैं वेल्स 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 वगैरह की पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे अकाउंट्स की छोटे अकाउंट्स जो लिटरलीरोकी भी, भी, भी बात करेंगे तो यहां जैसे कि आप ये ऑरेंज और पर्पल लाइन ये दो चीजें आप अगर नोटिस करो तो यहां पर यह बढ़ता ही जा रहा है सो एट दिस पॉइंट इट टर्नस कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत कम बिटकॉइन रहा है पास्ट में वो करंट प्राइस रेंज को एक अट्रैक्टिव प्राइस रेंज देख रहे हैं बिटकॉइन बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करने का एंड ये जो नेट पोजिशन चेंज है गाइज ये एक्सचेंज अकाउंट्स का नहीं होता है नॉर्मली वॉलेट्स का और बिटकॉइन एड्रेसेस का होता है सो so, ये नेट पोजिशन वो है कि जो वॉलेट्स में जो है बिटकॉइन जा रहे हैं ये हो गई एक चीज़ दूसरा अगर हम बात करें लिटरली यहाँ आउटफ्लो की तो इसका मैंने ट्वीट भी किया 151,000 बिटकॉइन जो है एक्सचेंज से आउटफ्लो में निकले हैं विच इज़ अ मंथली आउटफ्लो ना यहाँ पे ऑफकोर्स मार्केट प्राइस से लेके क्या कुछ आता है बट यूजुअली एक्सचेंज से आउटफ्लो इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव थिंग और एज अ पॉजिटिव ऑन चेन एक्टिविटी अब ये प्राइस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है या ये पार्ट मनिपुलेशन है ये तो अभी टाइम ही बताएगा ये हम नहीं बता सकते बट वट आई कैन शेयर इज़ द डेटा राइट ऑन द नॉन जीरो एड्रेसेस, सो नॉन जीरो एड्रेसेस क्या है बिटकॉइन एड्रेसेस जो आप बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते हैं और फिर बेयर मार्केट आती है या जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है उसको वहाँ पे डंप करना स्टार्ट करते हैं और फिर ज़ीरो पे चले जाते हैं सो so, अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ एड्रेसेस तो आप देखो अप्रैल टू मई 21 में भी वन मिलियन एड्रेसेस जो है कम हुए थे राइट जैन टू मार्च 2018 में सात मिलियन एड्रेसेस कम हुए थे मतलब नॉन जीरो एड्रेस जो है जिसमें कुछ बिटकॉइन पड़ा है वो सात मिलियन से उनकी गिनती गिर गई थी लोगों ने बेच दिया था मे 2022 में हमें चार सौ सत्तर के यानी कि चार लाख सत्तर हज़ार एड्रेस कम होते नज़र आए बट देन ये स्पीड अप वापस यहाँ पर पकड़ पकड़ रही है बट अगेन प्राइस ज़्यादा मूवमेंट देने रहे प्राइस के ऊपर भी क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं थोड़ा सा आपको अभी बता दूंगा और नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन आप जैसे कि नोटिस कर सकते हो बिटकॉइन के जो ऑन चेन ट्रांजेक्शन हैं वो धीरे 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 बहुत ही कम हो रहे हैं एक्टिविटी जो है वो बहुत ही गिर रही है एंड ये कब होता है ये तब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं आपस में यानी कि ओटीसी डेस्क पर बहुत सारी ट्रेडिंग नहीं हो रही है इन एन आउट ऑफ एक्सचेंजेस जो है ट्रेडिंग नहीं हो रही है बिटकॉइन टू बिटकॉइन वाली एंड दैट यूजुअली इज़ ट्रीटेड एज अ बेयर सिग्नल एंड ये अभी जिस कैटेगरी में हम हैं तो ऑफकोर्स ये तो सभी को पता था कि बेयर मार्केट में बट ये अक्यूमुलेशन फेज़ भी इसको बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि आप जब नोटिस करो तो इस तरह का फेज़ अब कितना टाइम चलता है कभी ऐसा भी हुआ है पास्ट में आप क्रिप्टो विंटर याद हो तो ढाई तीन साल का पीरियड भी चलता है एट टाइम्स ये कुछ महीने भी चल सकता है तो इन पास्ट ऐसा हुआ है कि ये अक्यूमुलेशन फ़ेज़ के बाद हमें ऑन चेन अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और वो ऑन चेन अच्छा मूवमेंट यूजअली प्राइसिस में भी चेंज ला कर देता है अगर हम बात करें इ लिक्विड सप्लाई की जो मैं बोल रहा हूँ ऐसी सप्लाई बिटकॉइन की जो उस तरह के वॉलेट्स में जा रही है जो वॉलेट्स का हिस्ट्री है ज़्यादा मूवमेंट ना देना राइट right? ऐसे वॉलेट्स जो ज्यादा इन एंड आउट ज़्यादा करते नहीं है एक बार उन्होंने बिटकॉइन डाल लिया तो लंबा टाइम होल्ड करके रखते हैं तो वो जो उस तरह के जो वॉलेट्स हैं उसमें जो सप्लाई चेंज की अगर बात करें तो लार्जेस्ट सिंस जुलाई 2017 हमें अभी देखने को मिला है सो उस तरह के वॉलेट्स जो यूजअली अपना बिटकॉइन निकालते नहीं है आर बाइंग मोर बिटकॉइन एंड होल्डिंग इन देयर वॉलेट्स अगेन एज आई सेड क्या ये मनिपुलेशन हो सकता है वी नेवर नो ये गेम पूरा वेल्स का है आपको पता ही है तो यहाँ पे ऑन चेन डेटा भी एक तरह का दिखाकर लोगों को अलग तरीके का फील करवाकर यहाँ पे किया जा सकता है बट अगेन यूजुअली ऑन चेन डेटा है तो ऑफ कोर्स दिस इज डिफरेंट देन मी जस्ट शोइंग यू अ एक प्राइस चार्ट सो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाती है हमको कि हमने लार्जेस्ट यानी कि दो लाख तेईस हजार बिटकॉइन जो है वो इस तरह के वॉलेट्स में गए हैं तो और कुछ नहीं तो हमें ये पता लग जाता है कि ऐसे लोगों ने वॉलेट्स में अपने बिटकॉइन डाले हैं तो दो लाख तेईस हजार बिटकॉइन खरीदे गए हैं इन वॉट इन दिस मंथ सो ये जुलाई 2017 से सबसे बड़ा चेंज है ऑन द करंट बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट तो आप लोग कल एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि लाइक हम लोग अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस के साथ खेलेंगे अगर हम बात करें ई के बारे में तो ट्वेंटी वन ई एम एज वेल एज़ फिफ्टी फाइव ई एम तो हमें उसका जो रीटेस्ट है वो अभी फ़िफ्टी फाइव ई एम का जो है फेल होता नज़र आ रहा है एंड सिचुएशन जो शॉर्ट टर्म बुलिश तभी होगी जब ट्वेंटी वन ई एम ए यहाँ पर फिफ्टी फाइव को क्रॉस करेगा बिकॉज एट एज यू सी नाव थोड़ा हम ई एम ए की तरफ ई एम ए के तरीके से ज़्यादा खेल रहे हैं या बिटकॉइन जो है ई एम एस पे थोड़ा ज़्यादा खेल रहा है देन एस एम एस विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग बट अगर हम बात करें बेरिश और बुलिश की राइट अभी भी मार्केट जो है आपको पता ही है जुलाई में अभी तो जी डी पी और बहुत सारी चीज़ें आनी है यू एस की तरफ से तो मार्केट अभी कोई ज़्यादा बुलिश हुई नहीं है तो एक तो ये बात है आई अंडरस्टैंड कि मार्केट में बहुत अच्छा हरा हरा रंग देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग इज़ नेवर बैड आइडिया टू बी ऑनेस्ट ऑन द बेरिशनेस एंड बुलिशनेस फ्रंट डे में देखू तो ट्वेंटी वन डे ई एम ए यहाँ पे है फिफ्टी फाइव डे ई एम ए हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो कुछ भी हो जाए आप अभी यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है कि अक्यूमुलेशन फेज और ज्यादा देखने को मिलने का चांस है बिफोर अ पॉसिबल ब्रेकआउट टूवर्ड्स अप और डाउन एंड ये अक्यूमुलेशन फेज के बाद डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन की यूएस की स्टॉक मार्केट्स क्या करती हैं यूएस की जीडीपी क्या करती है इन्फ्लेशन का क्या सीन है रिसेशन का क्या सीन है हम लोगों को बिटकॉइन का जो एक तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है नाओ ऑन द बेरिश बुलिश फ्रंट जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस कर सकते दो चीज़ें मैंने शेयर की टू हंड्रेड डेली ऐसे में एज वेल एज ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है जो मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पर रिजेक्शन दे चुकी है जब हम थर्टी के लेवल से ऊपर गए हैं एंड हाफ पे वहां से हमें रिजेक्शन मिला है उसके बाद हमें इसी ट्रेंड से ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड पे दोबारा रिजेक्शन मिला है तीसरी बार हमें थर्टी नाइन पॉइंट नाइन पे रिजेक्शन मिला है चौथी बार आप इसको ऑलमोस्ट रिजेक्शन समझ सकते हो ऑलमोस्ट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये है अबाउट थर्टी टू थाउजेंड का यहाँ रिजेक्शन मिला है उसके बाद वापस थर्टी वन पॉइंट सिक्स पर रिजेक्शन मिला है सो so ये काफ़ी ज्यादा एक स्ट्रॉग डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है बिटकॉइन के लिए सो वी हैव टू सी हाउ बिटकॉइन ट्रीट दिस ट्रेंड लाइन एंड हम इसको कैसे क्रॉस कर पाते हैं बिकॉज हमें अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेस देखने को मिलता है तो अभी वो ज्यादा टाइम दूर नहीं जब हम दोबारा इस ट्रेंड लाइन को मिलेंगे एंड वी हैव टू सी कि क्या वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है टूवर्ड्स द बेयर जितनी वो पहले होल्ड कर रही थी या बिटकॉइन या रैदर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जितने स्ट्रांग हो जाते हैं कि लोग रिस्क लेने को तैयार हैं बिटकॉइन में बिकॉज फाइनली बिटकॉइन जो है वो रिस्क ऑन एसेट माना जाता है तो क्या लोग अभी तैयार हैं बिटकॉइन में रिस्क लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दैट ओनली टाइम विल टेल सो ये है आज का वीडियो आई होप आपको इसमें कुछ नया देखने को मिला हो आव ट्राइड टू शोर शो मोर चार्ट मोर ऑन चेन डेटा तो ज़रूर लाइक बटन पर मक्का मारें एंड सब्सक्राइब uh, करना मत भूलें गाइज एंड आई नो आई नो ऑन द वर्ल्ड फ्रंट जैसे ही मुझे इन्फो मिलेगा जितना भी इन्फो मिलेगा फर्स्ट हैंड आपके साथ मैं मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शयर कर दूंगा सो प्लीज़ टेट यून फॉर दैट गाइज दिसम साइनिंग ऑफ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर